तो T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए अफगानिस्तान ने कल अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान ने 19 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन BCCI ने अभी तक टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है। तो कब होगा टीम इंडिया का ऐलान, और क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 क्रिकेट में वापसी होगी, और क्या रोहित शर्मा बतौर कप्तान T20 क्रिकेट में वापसी करेंगे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच खेली जाएगी। पहला मुकाबला 11 जनवरी को, दूसरा मुकाबला 14, और तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेला जाएगा 17 जनवरी को। 3 मैचों की T20 सीरीज है और T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल भी ऐलान हो गया है। 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा, और उससे पहले टीम इंडिया के लिए यही सिर्फ 3 मुकाबले हैं तैयारी करने के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 की। और ऐसे में दोस्तों जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा ही आपको आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोस्तों यह कंफर्म हो जाता है कि अगर रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे और कप्तानी करेंगे तो रोहित शर्मा की वापसी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए हो जाएगी। लेकिन दोस्तों BCCI ने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया है। खबर यह थी कि 5 तारीख को जो है वो टीम का ऐलान हो जाएगा, और सभी दोस्तों इंतजार करते रहे कि 5 तारीख को ऐलान होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 6 तारीख को भी दोस्तों सभी जो इंतजार करते रहे क्रिकेट फैंस की 6 तारीख को टीम इंडिया का ऐलान होगा, लेकिन दोस्तों आज 7 तारीख हो गई है, और आज दोस्तों आज शाम तक जो है BCCI टीम इंडिया का ऐलान कर देगी, क्योंकि कल दोस्तों अफगानिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, 19 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तो BCCI दोस्तों आज टीम इंडिया का ऐलान कर देगी, और रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलेंगे तो वो इस सीरीज में 110% वापसी करते हुए नजर आएंगे। और अगर रोहित शर्मा इस सीरीज में वापसी कर जाते हैं और वो ही कप्तान रहते हैं तो वो आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि 1 जून से 29 जून के बीच खेला जाएगा तो उसमें भी वापसी करते हुए नजर आएंगे, और T20 वर्ल्ड कप 2024 रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों BCCI इतना समय क्यों ले रहा है इसको लेकर भी दोस्तों अभी कोई स्पष्ट अपडेट नहीं है कि भाई आप इंतजार कर रहे थे कि अफगानिस्तान का स्क्वाड आ जाए उसके बाद जो है हम टीम इंडिया का स्क्वाड जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों कल शाम को अफगानिस्तान का स्क्वाड आ गया है और 19 सदस्यीय टीम जो है अफगानिस्तान ने जिसका ऐलान किया है, लेकिन भारतीय टीम का ऐलान BCCI ने नहीं किया है, और अभी भी समय लग रहा है दोस्तों आज शाम तक हो सकता है कि भारतीय टीम का ऐलान हो जाए और T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी करने के लिए भारतीय टीम के पास यही 3 मुकाबले हैं। दोस्तों इससे पहले खबर आई थी कि शुभमन गिल इस सीरीज में कप्तानी कर सकते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है उनको रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि वो जो है टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो खबर आई है वो यही है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 क्रिकेट में वापसी करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों जो 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला जाएगा उसमें विराट कोहली का बल्ला दोस्तों जमकर बोलेगा अगर वो खेलते हैं, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही बोलता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट का बल्ला बोलता है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान आज शाम तक हो जाएगा, और जैसे ही टीम का ऐलान होगा सबसे पहले दोस्तों आपको जो अपडेट है वो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारतीय टीम के पास यही 3 मुकाबले बचे हैं तैयारी करने के लिए, और उसके बाद पूरा IPL बचेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।